यहाँ तक पहुँच चुके हैं अभी और यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है लोनावला, तो देखते हैं और टाइम लगता है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक फूड जंक्शन पे, ये है बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट टू खलापुर टोल नाका। खलापुर टोल नाका जैसे ही आप लोग क्रॉस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही एक पेट्रोल पंप आता है, उसी के जस्ट बाजू में ही ये बहुत बड़ा एक फूड जॉइंट है, फूड जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं आपको मिलेंगे देखने के लिए, खाने के लिए वैरायटी बहुत सी मिल जाएगी। KFC है, पिज़्ज़ा हट है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ एक कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अभी तो फिलहाल बहुत सी चीज़ें बंद है बिकॉज अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आपको कौन सी चीज़ें और क्या क्या आउटलेट्स हैं यहाँ पे वो मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए ताकि आप जब भी आए लोनावला तो यहाँ रुके और आप यहाँ पे आपको जो कुछ ब्रेकफास्ट करना है तो आप कर सकते हैं। ओके गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं लोनावला में। अभी लोनावला हमने जस्ट स्टार्ट किया है, मार्केट के आगे है। अभी हम लोगों को एक जगह पता चली है एक फेमस मिसल पाव की। अगर आप लोग कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ट्राई करना चाहते हैं कुछ मिसल पाव में कुछ अलग, तो मैं आपको एक लोकेशन बताता हूँ। आप जैसे ही लोनावला में एंटर करते हो मार्केट में, आप किसी से भी पूछ सकते हो, फरियाज़ गेट करके है, फरियाज़ गेट करके किसी को भी पूछो, उसके बाजू में ही है बुआंची मिसल करके, बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी है। आप लोग ज़रूर एक बार आए तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए ये मिसल। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, जो मैं आपको मिसल पाव की जगह बता रहा था वो जस्ट मेरे पीछे है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। ये लोकेशन आप किसी को भी पूछे, फरियाज़ गेट और उसी के जस्ट बाजू में है ये बुआंची मिसल करके, ऑपोजिट गणेश मंदिर। तो आप यहाँ पे आके आप मिसल पाव ट्राई कर सकते हो, वड़ा पाव मिलता है, स्नैक्स मिलता है और बहुत रीज़नेबल रेट में यहाँ पे मिल जाएगा आपको। मैं आपको इसका फ्रंट लोकेशन दिखाता हूँ, आप लोग देखिए इसको। गाइज़ ये वही जगह है, मैं आपको एकदम फ्रंट लोकेशन भी दिखा दे रहा हूँ और यही उसके बाजू में देखिए आप ये लोकेशन है। ठीक है, एड्रेस मैंने आपको बता दिया है। हम लोग अभी ऑन द वे है अपर डेक के। ओके गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं अपर डेक रिजॉर्ट के आसपास की जगह है ये। पहले ही कुछ 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस से पहले ही अपर डेक के पास कुछ भी नहीं है, रोड एंड हो जाएगा, वो एक रिजॉर्ट है। उससे पहले ही थोड़ा सा अगर आप रुकेंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी लोकेशन आपको देखने मिलेगी, जहां आप आराम से सुकून से बैठ सकते हो, फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। फैमिली क्लोज़अप से आपको मैं दिखा दूंगा, आप लोग देख लीजिए। ये जगह बहुत कम लोगों को भी पता है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये जगह पे भी आ सको। टाइगर पॉइंट तो सबने देखा है, ये कुछ अलग जगह है तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे, आप अगर देख सकते हो तो पूरा ग्रीनरी है, पूरा व्यू अगर आप देख सकते हो तो लोनावला का ये हाईएस्ट पीक पॉइंट ये भी कहा जाता है। तो आप यहाँ भी आ सकते हो और आप बैठ सकते हो, है ना। तो आप अभी मैं क्या करता हूँ, आपको अपने बैक कैमरा से मैं आपको ये पूरी वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि इसके सराउंडिंग्स में और कैसे कैसे व्यूज़ है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सब दिखा देता हूँ नज़दीक से।
हमने जस्ट चेक इन करके थोड़ा एक आध घंटा हुआ है और अभी हम लोग पूल में थे। मैं आपको जहाँ हम लोग अभी आज के दिन के लिए रुके हैं वो एक विला है, उसका नाम है गुडलक विला। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ, विला कैसा है, विला का आपको ओवरऑल लुक बता देता हूँ, ठीक है आप लोग। देखिए ये विला का एंट्रेंस है, यहाँ से विला स्टार्ट होता है, ये कार खड़ी है पार्किंग के लिए और यहाँ से ये विला के लिए हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। हमने इसमें 2 BHK का विला है जो हम लोगों ने लिया है, 2 BHK का, यहाँ पे विथ इंक्लूड स्विमिंग पूल है, ठीक है पर्सनल स्विमिंग पूल है। ये हमको बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में मिल गया था तो हमने ले लिया था। टाइम हो रहा है 10:42 एंड हम लोग अभी डिनर करने वाले हैं। हम लोग है वापस अपने विला पे। शाम में हम लोग मार्केट गए थे लेकिन बहुत बारिश हो रही थी इसलिए मैंने वीडियो को शूट नहीं किया। अभी हम लोग डिनर करने बैठ रहे हैं और हम लोगों ने बनाया है चिकन। गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं कल वापस जब हम लोग यहाँ से चेकआउट करके निकलेंगे वापस बैक टू मुंबई के लिए। देखते हैं ऑनवर्ड्स जर्नी रिटर्न में कैसी होगी। गुड मॉर्निंग, अभी हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है अपने विला से और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट किए हैं। जस्ट जब हमने कल मिसल खाया था वहीं हमने वापस से वापस मिसल खाया, बहुत अच्छा था।